आइए आज मिलकर क्रिस्पी बेबीकॉर्न रेसिपी बनाएं, जो एक सुपर क्रंची एंड क्रिस्पी इंडो चाइनीज स्टार्टर रेसिपी है, जो मंचूरियन रेसिपी के समान है, लेकिन ये सुपर कुरकुरी और कम मसालेदार हैं, जिसे आज हम रेस्टोरेंट स्टाइल से घर पर बनाएंगे, जो बिल्कुल आपको रेस्टोरेंट वाला ही स्वाद देगा। तो चलिए इसे बनाने की तैयारी शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैं यहाँ पर 200 से 250 ग्राम के करीब बेबी कॉर्न ली हूँ। इसे हमें काट कर तैयार कर लेना है। तो देखिए इस तरह से हम इसे डायमंड शेप में कट करेंगे। आप इसे लंबे टुकड़ों में भी काट सकते हैं। ध्यान देना है कि हमें इसके इक्वल साइज करने हैं। तो देखिए इस तरह से डायमंड शेप में ये कट कर तैयार होंगे। आप इसे बीच से काट कर भी दो भाग में कर ले और उसके बाद भी इसके जो हैं वो डायमंड शेप काट सकते हैं। तो चलिए सभी बेबी कॉर्न को इसी तरह से पहले हम काट कर तैयार कर लेंगे। अब इस बेबी कॉर्न को हमें बॉईल करना है। बॉईल करने के लिए पानी को पहले अच्छे से उबाल लेते हैं और अब इसमें आधा चम्मच के करीब नमक डालेंगे और कटे हुए बेबी कॉर्न को इसमें डाल देते हैं। इस बेबी कॉर्न को ऑलमोस्ट हमें कुक होने तक पकाना है। ये लगभग 6 से 8 मिनट में पककर तैयार हो जाते हैं। ये आपके बेबी कॉर्न पे डिपेंड करता है। अगर वो बहुत ही सॉफ्ट हो तो हमें इसे बस 1 से 2 बॉयल आने तक ही पकाना है। तो 6 से 8 मिनट के बाद देखिए ये अच्छे से जो है वो कुक हो गए हैं। अब हम इसे छानकर पानी से बाहर कर लेंगे। सभी बेबी कॉर्न को इस तरह से हम ड्रेन आउट कर लेते हैं और इसे ठंडा हो जाने देंगे। अब बेबी कॉर्न चिली के लिए हमें इसके सॉस की तैयारी शुरू करनी है। तो इसके लिए हम पहले एक कैप्सिकम लेते हैं और इसे इस तरह से स्क्वायर काट कर तैयार कर लेंगे। 2 प्याज लेंगे, मीडियम साइज के ये प्याज हैं, इसे भी हम स्क्वायर काट कर तैयार करते हैं और सभी लेयर्स को हम खोल के ले लेंगे। 8 से 10 लहसुन की कलियां हैं, इसे बारीक काट लें। आप अदरक भी बारीक काट के ले सकते हैं और 3 से 4 हरी मिर्च को भी बारीक काट लेंगे। अब एक बड़े बर्तन में हमें बेबी कॉर्न चिली ले लेना है और अब इसमें कुछ मसाले मिलाएंगे। तो सबसे पहले आधा चम्मच के करीब हम इसमें लहसुन पेस्ट डालते हैं और आधा चम्मच इसमें पेपर पाउडर डालेंगे। थोड़ा सा इसमें नमक मिलाइए, नमक की मात्रा कम ही रखें और आधा चम्मच के करीब सेजवान चटनी डालेंगे। इसे हम अच्छे से टॉस कर लेते हैं ताकि बेबी कॉर्न के ऊपर ये सारे मसाले बढ़िया से कोट हो जाएँ। हाथों से भी इस मसाले को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। एक बढ़िया लेयर मसालों का बेबी कॉर्न के ऊपर लगना चाहिए। अब इसमें 1 चम्मच के करीब हमें मैदा डालना है और 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर डालेंगे। मिक्स कर लेते हैं इसे हम। कॉर्नफ्लावर से भी बेबी कॉर्न को अच्छे से कोट कर लेंगे। हमें ध्यान देना है कि ये बढ़िया से कोट हो, बेबी कॉर्न दिखना नहीं चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि कॉर्नफ्लावर थोड़ा कम है तो 1 चम्मच के करीब कॉर्नफ्लावर आप इसमें और डाल लीजिए। आपको बिल्कुल इसी प्रोसेस से जो है इसे कोट करना है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए मीडियम से हाई फ्लेम में तेल को गरम कर लेते हैं। अब इसमें हमें बेबी कॉर्न डालना है। एक एक करके आप इसमें बेबी कॉर्न डालिए जिससे ये बिल्कुल चिपके ना। अगर बेबी कॉर्न की मात्रा ज़्यादा हो तो हम इसे एक बार में फ्राई नहीं करेंगे। बेबी कॉर्न को हमें मीडियम टू हाई फ्लेम पर फ्राई करना है जब तक कि ये क्रिस्प और गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। आप चाहे तो इसे डबल फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन ये सिंगल फ्राई में भी क्रिस्प हो जाते हैं। नीचे तक की तरफ जब एक बार ये बढ़िया से सिक जाए तभी हम इसे पलटेंगे और थोड़ी थोड़ी देर बाद हम इसे इसी तरह से चलाते हुए फ्राई कर लेंगे। ध्यान देना है कि हमें फ्लेम जो है वो मीडियम टू हाई ही रखना है। तो देखिए जब इस तरह से इसका ब्राउन कलर आ जाए तो हमें इसे तेल से बाहर निकाल लेना है। एक टिश्यू पेपर पे हम इसे निकाल लेते हैं जिससे कि इसका एक्स्ट्रा तेल जो है वो बाहर निकल जाए।
अब एक पैन को गरम करते हैं। इसमें हम 3 चम्मच के करीब तेल डालेंगे। कटे हुए लहसुन को डाल देते हैं। फ्लेम को अभी हमें लो रखना है, जिससे ये लहसुन जो है वो एकदम से जले नहीं। तेल में सिर्फ लहसुन का फ्लेवर आए उतना ही हमें इसे पकाना है। हरी मिर्च भी डाल देते हैं। लो फ्लेम पे आधा मिनट के लिए हम इसे पका लेंगे, जिससे तेल में बहुत अच्छा जो है वो लहसुन की खुशबू आ जाती है। लहसुन को ब्राउन बिल्कुल नहीं करेंगे। अब हमें इसमें कैप्सिकम को डाल देना है और प्याज डालेंगे। अब हमें फ्लेम को हाई कर लेना है, और हाई फ्लेम पर आप चाहे तो इसे टॉस कर लें, या फिर इसी तरह से 2 से 4 बार इसे हम सौते कर लेंगे। सभी प्याज को अच्छे से खोल लेते हैं ताकि इसके पीसेस जो हैं वो अलग हो जाएं। हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना है, इसे सिर्फ क्रंची करना है। अब हम इसमें थोड़ा नमक और डालते हैं। नमक बिल्कुल सावधानी से डालें, क्योंकि हम इसमें सॉस ऐड करेंगे तो उसमें भी नमक होता है। तो 2 चम्मच के करीब आप इसमें टमाटो केचप या सॉस डालें। 1 चम्मच हम इसमें जो है वो डार्क सोया सॉस डालते हैं, और 1 चम्मच के करीब इसमें ग्रीन चिली सॉस डालेंगे। आप रेड चिली सॉस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सॉस के साथ हम इस प्याज और शिमला मिर्च को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये सारे प्रोसेस आपको जो है वो हाई फ्लेम पर करना है। 1 से 1.5 चम्मच के करीब हम इसमें पानी डालेंगे। 1 ड्रॉप रेड फूड कलर भी मैं यहाँ इसमें ऐड की हूँ, क्योंकि मुझे रेस्टोरेंट वाला लुक चाहिए। अब इसमें 1/2 चम्मच के करीब हम पेपर पाउडर डालते हैं। इसे मिक्स कर लेंगे। फूड कलर जो है वो बिल्कुल ऑप्शनल है, आपकी इच्छा करे तो आप डालिए। अब हम इसमें कॉर्नफ्लोर का घोल डालते हैं। 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर को 2 चम्मच पानी में घोल कर डालेंगे, और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। एक्चुअली इसे हम ड्राई बना रहे हैं, तो पानी की मात्रा आप बिल्कुल ना के बराबर इसमें डालें। 1/2 चम्मच हम इसमें वेनेगर डाल देते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप देखिए कितना बढ़िया जो है ये इसका कलर भी आया है, और खुशबू भी बिल्कुल चिली वाली आ रही है। बेबी कॉर्न को इसमें ऐड करेंगे, और सॉस के साथ इसे अच्छे से कोट कर लेते हैं। ये सारा प्रोसेस जो है वो हमें मीडियम टू हाई फ्लेम पर करना है। बहुत ज़्यादा आप इसे सौते ना करें, नहीं तो फिर बेबी कॉर्न जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। तो बस देखिए इस तरह से हम अच्छे से सॉस से इसे कोट कर देंगे बेबी कॉर्न को, तो एकदम टेस्टी बेबी कॉर्न चिली जो है वो बनकर तैयार है। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी बताई ये बेबी कॉर्न की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी अगर पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए गर्मा गर्म इसे सर्व करते हैं। सर्व करने से पहले आप इस पर थोड़ा सा स्प्रिंग ऑनियन स्प्रिंकल कर ले। टेस्ट में ये बिल्कुल क्रंची और क्रिस्पी है, एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल से ये बना है। तो आप भी इसे घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए, बेबी कॉर्न चिली।